चित्रगुप्त मंदिर सभा के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पैडलीगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर पहुंचकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में चित्रगुप्त मंदिर सभा के उपाध्यक्ष अखिलेंदु कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि सुभाष चंद्र बोस जैसा कोई वीर युग पुरुष नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, इसके लिए हम सभी चित्रगुप्त मंदिर सभा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हैं। इस अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर के सदस्य रमन अस्थाना, राजीव अस्थाना सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चित्रगुप्त मंदिर सभा के अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव एवं उपाध्यक्ष अखिलेंदु कुमार श्रीवास्तव ने कहा, चित्रगुप्त मंदिर सभा अध्यक्ष सत्यव्रत लाल श्रीवास्तव आज सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह में हम लोग माल्यार्पण करने आए हैं, और चूँकि हमारे काय समाज के भी रहे हैं और इस भारतवर्ष के स्वतंत्रता में इनका काफ़ी योगदान रहा है, और अगर स्वतंत्रता मिली है तो इन्हीं महापुरुषों के नाम से ही मिली है। अखिलेंदु कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष चित्रगुप्त मंदिर सभा। सुभाष चंद्र बोस पर यही कहना है कि आज जो सुभाष बाबू की प्रतिमा लग रही है लाल दिल्ली में, वो इस बात का द्योतक है कि सुभाष बाबू जैसा कोई भी योद्धा वीर युग पुरुष नहीं हुआ। हम आज के दिन बहुत प्रसन्न हैं कि कम से कम हमारी सरकार ने सुभाष बाबू के प्रेरणा को लेकर के वहाँ उनका स्टैचू बना रहे हैं। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, और चित्रगुप्त मंदिर सभा सुभाष चंद्र बोस जयंती बड़े उत्साह से मनाती है। हम हर साल यहाँ आते हैं माल्यार्पण करते हैं।